हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। आप लोगों ने चैप्टर 5 अच्छे से पढ़ लिया होगा, यानी कि मेंडल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, मेंडल ने जो जीन का यूज किया था, ठीक है, वो जीन कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या काम करता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। ठीक है, जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कितने सारे टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, तो इसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा हमारा और टाइम भी कम लगेगा, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। 6.1 डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल हमारा है क्या, फिर आरएनए वर्ल्ड के बारे में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसमिशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, SGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम, ठीक है, इस यहाँ तक ये बताया गया कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न, ठीक है, बारे में पढ़ लिया था। अब क्या क्या, DNA एंड RNA आर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड इस पूरे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, DNA है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह है, DNA एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। और RNA क्या काम करता है, RNA जेनेटिक मटेरियल है केवल सम वायरसेस में, इन सम वायरसेस मोस्टली RNA का फंक्शन है केवल और केवल मैसेंजर RNA का। देखिए, आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, तो DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, ये आपका सेंट्रल डॉगमा। DNA से RNA कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन से, और DNA से DNA कैसे बनता है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ तक वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप विच इज विथ RNA। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द DNA के बारे में। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर दिए गए, वो आपको याद रहना चाहिए, पेपर में मैच इन द फॉलोइंग में ये सारे के सारे पूछ सकता है, चारों एक साथ दे सकता है, तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए बैक्टीरियोफेज नोन एज 5174 एज 5386 न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके पास। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास 48502 बेस पेयर होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ई कोलाई हैज 4.6×10⁶ बेस पेयर होता है, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA 3.3×10⁹ बेस पेयर होता है। हैप्लॉइड कंटेंट में कितना होता है, 3.3×10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA कुछ, अगर मैं पूछूँ आपसे हैप्लॉइड में इतना है तो डिप्लॉइड में कितना होगा, बता सकते हैं आप? हाँ, सही बात है, ये n दे रखा है, 2n में बताना, तो इसका n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, 6.6×10⁹ बेस पेयर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है? देखिए, एक बेस पेयर में दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एन मतलब न्यूक्लियोटाइड, सही बात है। जब आप DNA का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे बॉन्ड होते, ये न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड, दोनों को मिला के बोलते हैं बेस पेयर। ठीक है, आप लोग देखिए, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, क्या स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे DNA का और RNA का। एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक न्यूक्लियोटाइड है थ्री कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, अपेंटोस सुगर, राइबोज इन केस ऑफ RNA, डीऑक्सीराइबोज फॉर DNA एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेस होता है वो दो टाइप्स का होता है, प्यूरिन्स होते हैं, और प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। ये आपको जितनी अंडरलाइन हो रही है ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, जो साइटोसिन है, देखिए साइटोसिन कॉमन फॉर बोथ DNA एंड RNA, थाइमिन इज प्रेजेंट इन DNA, यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। RNA में यूरासिल होता है, DNA में थाइमिन होता है,
ठीक है, थायमिन की जगह पे अगर यूरासिल प्रेजेंट हो तो उसे हम आरएनए बोलेंगे। यूरासिल का एक, थायमिन का एक और नाम है, ठीक है, थायमिन का एक और नाम है 5-methyl यूरासिल। पता होना चाहिए आपको, थायमिन को हम 5-methyl यूरासिल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर यूरासिल के पांचवे पोजीशन पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा दे तो थायमिन बन जाता है, ठीक है, थायमिन को हम 5-methyl यूरासिल भी बोलते हैं। आगे आएगा, मैंने यहीं पर बता दिया, ठीक है, सही बात है। अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू OH ऑफ फर्स्ट पेंटोज शुगर थ्रू अन एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के बाद के साथ बॉन्ड बनाता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5-कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड, तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दे हम तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस फॉर्म, सही बात है। 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टू 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर ऐसे कई सारे जुड़ जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, जो यहाँ पर बनाकर दिखा रखा है, ठीक है। देखिए ये आपका शुगर बेस है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है पूरा का पूरा, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अगर ये दोनों को बोलें तो ये दोनों न्यूक्लियोसाइड है, ये तीनों मिला के होते हैं न्यूक्लियोटाइड, 2 को मिलाएंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, 3 को मिलाएंगे टेट्रा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, सारे को मिला देंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, कई सारे बन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रखा है। जब पॉली न्यूक्लियोटाइड बन गया, अब ऐसी चेन जुड़ जाएगी बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चेन जुड़ी, लेकिन ये वाली पोजीशन हमेशा फ्री रहेगी और ये वाली हमेशा फ्री रहेगी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का 5- पोजीशन फ्री रहेगा और शुगर का 3- पोजीशन हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। देखिए फॉस्फेट मोइटी एट 5- एंड ऑफ शुगर विच इज रेफर टू एज 5- एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सिमिलरली 3- एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमेशा फ्री रहेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन क्या है इसका, मैं बैकबोन समझाता हूँ। देखिए बैकबोन क्या, बैकबोन तो यही हो रहा है जो इधर इस लाइन में आ रहा है, जो इस लाइन में आ रहा है वही तो बैकबोन। और कौन कौन आ रहा है, फॉस्फेट और शुगर आ रहे हैं, नाइट्रोजन बेस नहीं आ रहा है, तो हमारा बैकबोन क्या होगा, फॉस्फेट और शुगर ही हमारा बैकबोन होगा, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सही बात है, पता होगी, हाँ याद करेंगे, सही बात है, याद करेंगे। अब हम आरएनए की बात करते हैं, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैड एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2- पोजीशन इन द राइबोज, ठीक है। आल्सो इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन 5-methyl यूरासिल। आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल पाया जाता है, थायमिन का एक और नाम है 5-methyl यूरासिल, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। डीएनए को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक मेसन ने, उसका नाम तब दिया था उन्होंने न्यूक्लिन, ठीक है। However, due to technical limitation, वहाँ पे टेक्निकल लिमिटेशन था कि हम डीएनए को आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, निकाल नहीं पा रहे थे, ठीक है, इस वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर को खोज करने में बहुत लंबा टाइम लग गया। इट वॉज वन इन 1953 में जब जेम्स वाटर फ्रांसिस क्रिक्स बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाई मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया क्या था, कुछ नहीं किया था उन्होंने, बस मॉरिस विल्किंस और रोजा फ्रैंकलिन जो एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा बनाया था डीएनए का, उसी का यूज करके उन्होंने एक थ्योरी
थ्योरी दे दी थी कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये इनका थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, ठीक है, इसलिए इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिल गया था। इन्होंने दूसरे एक दूसरे का काम लिया, चुरा कर सबको जोड़ जाड़ के अपनी थ्योरी बता दी, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। देखिए मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्लेमिंग का तो लिया ही था, और चारगाफ रूल्स को भी ले लिया। चारगाफ रूल्स क्या कहता है, जितना एडिनिन होगा, ठीक है, उतना ही प्यूरिन होगा, जितना एडिनिन होगा उतना ही प्यूरिन होगा, ठीक है। एडिनिन में क्या क्या आता है बताइए, जितना गुआनिन होगा, सॉरी, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडिनिन आता है और गुआनिन आता है, पिरिमिडिन में क्या आता है, थायमिन और साइटोसिन। अगर यूरासिल की बात करें तो हम डीएनए में पहुंच जाएंगे, ठीक है, इन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल और वन कॉन्स्टेंट होता। अगर मैं बोलूँ ए हमारा 20 है तो बताइए जी कितना होगा, टी कितना होगा, सी कितना होगा, ठीक है। ए के साथ बॉन्ड कौन बनाता है, टी बनाता है, तो ए जितना होगा उतना टी होगा, तो टी भी 20 हो गया, टोटल रेशियो 100 बनाते हैं, तो जी और सी कित 20 20 40 बच्चे 60, तो जी कितना हो जाएगा 30, सी भी 30। देखिए ए जी 50, टी सी 50, 50 50 कट 1, हमेशा कॉन्स्टेंट 1 ही आएगा, ठीक है, ये बात आपको बता दी। यही बात चारगाफ ने बताया था, एरविन चारगाफ ने बताया था जो यहाँ पे लिखा, ठीक है, ठीक है। अब यही बात पढ़ते हैं, द बेस पेयर कंटेंट अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, they are said to be complementary to each other and therefore if the sequence of base in one strand is known then the sequence in other strand can be predicted। जैसे कि मैंने बताया ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, ए डबल बॉन्ड टी बनाता है, जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल होता उसमें दो हेलिक्स रहेंगे, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर हमें एक का सीक्वेंस मालूम है तो हम दूसरे का सीक्वेंस आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि ए के सामने हमेशा टी होगा, जी के सामने हमेशा सी होगा, अगर यहाँ पे ए टी टी ए जी सी तो हम इसका अपोजिट निकाल दें, ए का टी, टी का ए, टी का ए का जी, सी का जी, तो हम इसलिए बोलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, ठीक है। आल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दस प्रोड्यूस विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए होता है तो इसी का एक टेम्पलेट, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन टेम्पलेट की तरह यूज करता है, फिर वो नया रेप्लिकेशन बनाते हैं, ठीक है, नया डीएनए बन जाता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। द सेलियंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एस फॉलोज, क्या क्या है ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इसका शुगर बैकबोन किसका बना होता है, शुगर फॉस्फेट चेन का, शुगर फॉस्फेट का बना होता है, दोनों चेन एंटी पैरेलल होते हैं, पोलैरिटी एंटी पैरेलल होती है, कैसी, अगर एक की पोलैरिटी 5' है 3' है तो इसकी कैसी होगी 5'2 3', ये 5'2 3' के लिए जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम बना लेते हैं एक पोजिशन पर, एक एंड पे 5'3' था, एक डैश पे 3' था, इधर 5' तो इधर 3', तो इधर 5' होगा इधर 3', तो ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, ठीक है जी, यहाँ पे लिख रखा। तीसरा बॉन्ड बना रहा है, जो ये बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये बात आप देख लेंगे। द टू चेन्स आर क्वाइल इन अ राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, ये क्या बता रहा है ये भी देखते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये दिया है आपका, यहाँ पर दो बेस पेयर के बीच में, देखिए ये दो बेस पेयर है, इन दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर, कितना इधर लिखता हूँ मैं, इन दोनों के बीच में कितना होता है
0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। और एक हेलिक्स में, एक हेलिक्स मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो एक हेलिक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 × 0.34 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। ठीक है, ये बात यहीं पे लिखी गई है, देख सकते हैं आप, दिखा दूँ मैं आपको। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच पिच, इन ईच टर्न, हर टर्न पे 10 बेस पेयर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप टर्न करेंगे तो 10 बेस पेयर मिलेंगे। दो बेस पेयर के पिच की लंबाई अगर दूरी 0.34 नैनोमीटर है तो एक पिच की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.4 नैनोमीटर। अगर मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ DNA में कितना बेस पेयर होता है, 2N में कितना बेस पेयर होता है, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है, इतना बेस पेयर होते हैं। तो अब DNA की लंबाई बता सकते हैं क्या, जैसे कि मोना यहाँ पे 10 है, इन दो बेस के पेयर 0.34 नैनोमीटर, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3.4 नैनोमीटर। अब कितने बेस पेयर हैं, बेस पेयर तो इतने हैं, अब DNA की लंबाई पूछी तो इतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे DNA का लेंथ का मिल जाएगा कितना आता है, रफली 2.2 मीटर आता है, अप्रॉक्स 2.2 मीटर आता है DNA की लेंथ, ठीक है। ऐसे हम पता लगाते हैं DNA की लेंथ को, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला है सीढ़ी, देखी ना आपने, एक की स्टेक के ऊपर एक रहता है, इससे हमें एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ फॉर DNA एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। फिर क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था, सेंट्रल डॉगमा क्या था, DNA से RNA बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, RNA से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, DNA से DNA बनता है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक। ये आपको याद रखना चाहिए, सेंट्रल डॉगमा है ये। इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा, इन सम वायरसेस DNA RNA से DNA भी बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, DNA से RNA बनता है उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब mRNA से DNA बनेगा तो हम उसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स तो हम करेंगे, पहले हमें DNA की लंबाई कितनी होती है, मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे, कितने बेस पेयर होते हैं डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA में, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, उसको हम अगर दो बेस पेयर के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा कितना आता है, देखिए भाई किया गया 6.6 × 10⁹ × 0.34 × 10⁹⁹ पर बेस, तो क्या आता है 2.2 मीटर DNA की लेंथ आ जाती है। ये लेंथ बहुत ही लंबी होती है, क्या ये हमारे सेल में हेयर फॉलिकल्स हमें दिखता भी नहीं है उसके अंदर हम आ जाएगी, हाँ भाई नेचर है तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में तो वैसे स्कैटर्ड होती है, कुछ उसका रीजन प्रजनन नहीं होता, ठीक है। ये कैरियर्स की बात करते हैं, हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, ठीक है यहाँ पे देखते हैं। DNA कैसा सब्सटेंस है, एसिडिक है बेसिक, देखिए, और नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज था, DNA बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। और जो DNA होता है ये एसिडिक भी होता है फॉस्फेट की वजह से, एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं,
अब हम इसे पैकेज करने के लिए डीएनए अगर एसिडिक है तो कैसा मटेरियल यूज़ करेंगे, बेसिक मटेरियल यूज़ करेंगे, बेसिक सब्सटेंस यूज करेंगे, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अगर नेगेटिवली है तो पॉजिटिवली चार्ज का यूज़ करेंगे, तभी तो भाई अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन न्यूक्लियस दिस ऑर्गेनिज्म इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, देर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, देखिए यहाँ पे लिखा देर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। जो हिस्टोन होता है बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, तभी तो डीएनए के साथ अच्छे से बॉन्ड बना सकेगा। सही बात है, हिस्टोन्स आर रिच इन द अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड में रिच होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर ऑर्गेनाइज होकर हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर बेसिक प्रोटीन है और पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर पर रैप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया, कहाँ गया स्ट्रक्चर, दे रहा ये आपका डीएनए है, ये इस पर रैप कर दिया गया। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर पे ये आपका एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज है, ये कैसा है बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर रैप हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, एक रैप में यहाँ पर 200 बेस पेयर ही आ पाते हैं, कितने बेस पेयर, 200 बेस पेयर। ठीक है, 200 बेस पेयर एक रैप में आ सकते हैं, तो यहाँ पर जब रैप हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो हमें कितने पूरे के पूरे डीएनए को लपेटने के लिए, रैप करने के लिए कितने न्यूक्लियोसोम की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात पूछा गया है। ठीक है, 200 बेस पेयर अगर एक न्यूक्लियोसोम में आ रहा है तो 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर कितने न्यूक्लियोसोम में आएंगे, ये पूछा गया। अगर सिंपल सी बात है भाई, 20 समोसे एक लोग खा रहे हैं, मान लीजिए 200 समोसे एक लोग खा रहे हैं, अगर 800 समोसे हैं तो कितने लोग खाने के लिए चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने लोग खाएंगे, 200 भाई एक खा रहे हैं तो कितने खाएंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 800 खाने के लिए कितने लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए ना, 200 से 800 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें भी ऐसे ही आंसर लाना है। यहाँ पर यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड कोडन। कई सारे न्यूक्लियोसोम जब कंस्टिट्यूट कर लेते हैं रिपीटिंग यूनिट में, तब बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, थ्रेड लाइक स्टेन कलर्ड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस द, ठीक है, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन फाइबर पर देखते हैं, तो हमें लगता है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे अगर एक धागा ले लिए हर, ठीक है, एक पतला धागा ले लीजिए, यहाँ पे गांठ लगाइए, यहाँ पर गांठ लगाइए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे गांठ लगाए तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखेगा, तो ऐसे दिख रही है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोसोम दिख रहा है क्रोमेटिन फाइबर और बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल, क्या आप बता सकते हैं, हाँ भैया बता सकते हैं कितने बेस पेयर थे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कितने बेस पेयर थे, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर थे, एक न्यूक्लियोसोम में कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो 200 डिवाइड कर देंगे, 200 से 9 गया 7 आ जाएगा, 200 के 3.3 कितने न्यूक्लियोसोम की जरूरत पड़ेगी, 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम की ज़रूरत पड़ेगी, इतने बीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपको आंसर है। ठीक है, अब देखिए बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड एंड मेटाफेज स्टेज पर कंडेंस होगा, फिर वहाँ पर क्रोमोजोम बनेगा, फिर वहाँ सेल डिवाइड होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी वो पैक नहीं हुआ है और
और पैक करने के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोजोम और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, कुछ रीजन लूजली पैक्ड होता है और स्टेंस लाइट। अगर लूजली पैक्ड होगा तो लाइटली स्टेंट होगा, हाईली उसे हम बोलेंगे यूक्रोमेटिन। अगर हाईली पैक्ड होगा उसे हम बोलेंगे हेटरोक्रोमेटिन। हेटरोक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हम यहीं तक अभी देखते हैं। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से लेकर पूरा नीचे तक दूसरे पार्ट में देख लें। आप लोग यहाँ तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।